यूपी में एक बार फिर खाकी का बेरहम चेहरा सामने आया, जिसमें खाकी ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समाज के रक्षक कहे जाने वाले पुलिस वाले कब भक्षक बनकर किसी पर कहर बनकर टूट पड़े, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यूपी के हमीरपुर जिले में एक बार फिर खाकी का बेरहम चेहरा सामने आया। यहां पुलिस ने किसी मामले के लिए पूछताछ को लाए गए एक युवक के साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उसे इतनी बेरहमी से कपड़े उतरवा कर पीटा है, जिससे उसके शरीर की खाल तक उधड़ गई। जिसके बाद पीड़ित ने हमीरपुर पुलिस के आला अधिकारियों के यहां दस्तक देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है, और साथ ही पीड़ित ने एक दरोगा सहित कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा पीटे जाने की बात कही है। पुलिस द्वारा बर्बरता किए जाने का ये मामला मौदहा कोतवाली का है। यहां नारायच गांव का रहने वाला पीड़ित ताजुद्दीन, जिसे मौदहा कोतवाली पुलिस 21 मार्च को पूछताछ के लिए कोतवाली लेकर आई थी, उसे उसी रात पुलिस ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए न सिर्फ पीटा बल्कि शरीर के सारे कपड़े उतरवा कर तब तक पीटते रहे जब तक वो मरणासन्न नहीं हो गया और उसके शरीर की खाल तक फट गई, जिसके बाद उससे एक सादे कागज में साइन करा कर छोड़ दिया गया। पीड़ित जैसे जैसे घर पहुंचा और जब चलने फिरने लायक हुआ, तब वो इंसाफ के लिए दर दर भटकता घूम रहा है। पीड़ित ताजुद्दीन आज एक शिकायत पत्र लेकर पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के यहाँ पहुंचा था, जहां उसने मौदहा कोतवाली में तैनात दरोगा सत्य विजय यादव सहित दो सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। मैं खड़ी थी जेसीबी, हम अंदर बैठे थे, अपने ड्राइवर तीन चार लोग, ये आया दारू पी के, दारू पीने के बाद जो है ये गाली गुप्ता करने लगा, गेट में लात आत मारने लगा। कौन? अभिषेक कट्टा बिल्ली है सर, ये डीजे चोरी कर रहा था, बैटरी चुरा रहा था, हमने मना किया, उसके बाद इसने कट्टा दिखाया, कट्टा दिखाने के बाद जो है दो तीन लोग और आ गए, ये भाग गया, भागने के बाद ये जो है थाने गए, हम भी थाने गए, हम थाने गए तो उन्होंने अपने पिताजी को बुला लिया। जब पिताजी उनका आया तो दरोगा साहब ने हमको फोन करके बुलाया, हम थाने गए, थाने में जो बस दो तीन लोगों ने पकड़ा सिपाही ने, और पटा मारने लगे हमको। फिर आपने क्या किया? तो हमने कुछ नहीं किया। हम क्या चाहते हो? हम बस ऐसे साहब के आए हैं, बस वही कार्रवाई करवाना है उनके खिलाफ। पुलिस द्वारा बर्बरता किए जाने के इस मामले को अपर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया है और मामले की जांच मौदहा सीओ को कराने की बात कही है। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार का कहना है कि ये गंभीर मामला है, इसलिए इसकी जांच क्षेत्राधिकारी मौदहा को दी गई है। जांच उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताजुद्दीन नाम का व्यक्ति है और इसने एप्लीकेशन दी है कि इसके साथ अनावश्यक रूप से मौदहा पुलिस द्वारा बातचीत की गई और इस बात को संज्ञान में ले लिया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच जो है क्षेत्राधिकारी मौदहा को दी गई है। वो इस पूरे प्रकरण में गंभीरता से जांच करेंगे और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस घटनाक्रम में कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन ये बात हमारे जहन में हमेशा सवाल करती है, क्या ये पुलिस वाले हमारे ही बनाए हुए सभ्य समाज में आते हैं, जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। स्पेशल डेस्क जेएमडी न्यूज। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।